नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। राज्य में 11 राजनीतिक दलों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। कांग्रेस और बीजेपी समेत कई पार्टियों का कहना है कि पहले नगा समस्या को सुलझाया जाए, उसके बाद ही राज्य में चुनाव हो। नागालैंड में सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट समेत 11 दलों ने 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में मुकाबला नहीं करने का फैसला किया है। राजधानी कोहिमा में नागालैंड ट्राइबल हो और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद 11 राजनीतिक दलों की ओर से जारी साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट नहीं बांटने और पर्चा दाखिल नहीं करने का फैसला लिया है। इस घोषणा पत्र पर NPF के अलावा कांग्रेस, यूनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैंड कांग्रेस, आप और भाजपा के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। सभी दलों ने सॉल्यूशन बिफोर इलेक्शन का नारा देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार दशकों पुरानी नगा लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाती, वे सियासी मैदान में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। राजनीतिक दलों का मानना है कि केंद्र और नगा नागरिक समूहों के बीच 2015 में दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शांति समझौते के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, उस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर का नगा समुदाय लंबे समय से नगा बहुल इलाकों को मिलाकर ग्रेटर नागालिम बनाने की मांग करता रहा है। ग्रेटर नागालिम राज्य में मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों को मिलाकर राज्य गठन की मांग की जाती रही है। राजनीतिक दलों का कहना है कि हमारे लिए नगा शांति समझौता चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए नागालैंड के विधानसभा चुनाव को टालना जरूरी है। केंद्र को भेजे गए अपने कड़े संदेश के साथ ही राजनीतिक दलों ने गुरुवार को बंद भी बुलाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।